बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर कोई फ़र्द रमज़ान शरीफ की चांद रात को सिर्फ 3 बार सूरह यासीन और 101 बार तीसरे कलमे का जिक्र कर लेता है तो अल्लाह की ज़ात आपकी जान, माल, औलाद, घर, कारोबार, सेहत, इज्जत और कामयाबी को हर किस्म के जादू, जिन्नात, बंदिश, नजरे बद, दुश्मन और हर किस्म के नुकसान से महफूज फरमा देते हैं। वजीफा के लिए आप इशा की नमाज के बाद 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी का जिक्र करें और दरमियान में आप 3 बार सूरह यासीन और 101 बार तीसरे कलमे का जिक्र करें। इंशाल्लाह अल्लाह की जात आपको हर किस्म के जादू, काले जादू, सफली जादू, साया, आसेब, जिन्नात, दुश्मन और नागहानी अफातो बलियात से हमेशा के लिए महफूज फरमा देंगे। नाज़रीन, अपनी जान, माल, इज्जत, कारोबार और औलाद को हर किस्म के दुश्मन से महफूज करने के लिए दूसरा बेहद आसान और मुजर्रब अमल नक्श सूरह इखलास का है। नाज़रीन, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस शख्स के पास नक्श सूरह इखलास होता है वो फर्द हमेशा जादू, जिन्नात, साया, आसेब और नागहानी अफातो बलियात से हमेशा महफूज रहता है। नक्श सूरह इखलास को हमारी साइड से सेव करके इसे मुश्क, अंबर और जाफरान से कलर कर लें। इसके बाद आप इस नक्श को अपने घर में किसी पाक और महफूज जगह पर रख दें। इंशाल्लाह इस नक्श की बरकत से आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपकी जान, माल, इज्जत, औलाद हर किस्म के दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए महफूज रहेंगे और आपको जिंदगी के हर मैदान में अल्लाह की कैफी मदद भी हासिल होती रहेगी। नक्श सूरह इखलास को सेव करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदका में आपकी सभी नेक दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।